गुफा है जिसका गेट कार्विंग बहुत फेमस है आपका, बहुत हाँ। ज़्यादा फेमस हो गया, वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग, एक्चुअल वुडन डिज़ाइन गेट कार्विंग। ये लकड़ियों का डिज़ाइन है, ये जो पत्थरों पर नक्काशी की गई है ये, और ये दुनिया का पहला जो है गेट कार्विंग है, ये 3rd century BC, एक्चुअल 241 BC का है ये। हाँ जी बिल्कुल, अभी सामने में दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे सर, जो अभी लाइट में गए हैं तो ऐसा फील हो रहा है जैसे सर इधर है और इधर उनका प्रतिबिंब है। हालांकि वॉइस यहाँ पे ज़्यादा गूंज रही है, जिसके कारण मैं सारी डिटेल आपको बाहर चल के बताऊँगा। बनिया जी, एस के सोनू ब्लॉग्स। हाँ जी ओके। जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। दोस्तों नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और आज भी हम हैं गया में। गया में ये मेरा है 5वां दिन और आज हम जा रहे हैं बराबर का पहाड़। बराबर के पहाड़ की बात करें तो वहाँ पे एक महादेव मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, और बताया जाता है कि बराबर की गुफाएं काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सम्राट अशोक ने उसे बनाया था मेडिटेशन के लिए, और ऐसा कहा जाता है कि उस गुफा में मेडिटेशन करने के बाद एक अलग तरह की आवाज़ गूंजती है, जो कि एक अलग तरह के मतलब इको टाइप से काम करती है, जो मेडिटेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आज हम ये सारी चीज़ों को कोशिश करेंगे कि कवर कर सकें और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए सर्च कर सकते हैं blogging_world, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी चलिए चलते हैं आगे, आगे चल कर देखते हैं कि आगे का हमें क्या क्या व्यू देखने को मिलता है भाई, और क्या नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं, सारी चीज़ों में एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं बराबर की पहाड़ियाँ पे। आप सामने में देख रहे हो ये जो व्यू आपको दिख रहा है, ये है बराबर की पहाड़ियों के व्यू। यहाँ से डिस्टेंस अप्रॉक्स 1 किलोमीटर हमें और बचे हैं, लेकिन भाई व्यू दिखना यहीं से शुरू हो गया। मैं सोचा कि आपको दिखा दूँ, आप देखो जो व्यू है भाई, काफ़ी कमाल का व्यू आता है। लोग बोलते हैं भाई कि बिहार में क्या चीज़ है, तो आप देखो बिहार में ये है, जो लोग दिखाते नहीं हैं, लोग यहाँ पर आते नहीं हैं, और जो लोग आते हैं भाई वो कभी ये नहीं बोलते कि बिहार में क्या है। तो बिहार का जो इमेज आप लोग बना चुके हो मीडिया के सामने, उसे बदलना होगा, और ये सब जगह को, जो भी आप छोटे बड़े जो भी यूट्यूबर हैं भाई, आओ ये सब जगह पे आओ, इस जगहों को दिखाओ, ताकि यहाँ का इमेज और भी बदले। और बाकी तो आप देख सकते हो, यहाँ से राइट में जाने होंगे जो कि बराबर का गुफा और मंदिर का व्यू जाता है, और मेरे ख्याल से गाड़ी पार्किंग वगैरह यहीं आसपास में कहीं है। सामने में एक गेट दिख रहा होगा, मैं आपको यहाँ से फिर डिटेल में दिखाना शुरू करूँगा। भाई साहब हमारे साथ सीन कुछ ऐसा हुआ कि हम और राकेश जी हम लोग यहाँ पे इंट्रो शूट तो कर लिए थे, लेकिन हुआ क्या कि हम लोग माइक ऑन करना भूल गए, और जिसके कारण यार मतलब थोड़ा सा भी वॉइस नहीं आया। बाकी का आगे का तो पूरा सब कुछ क्लियर आया है, लेकिन जो हम लोग का जो मेन इंट्रो था वो शूट नहीं हो पाया था। तो अभी हम आए हैं मेन गेट पर हैं यहाँ पर, और हमने सोचा कि चलो फिर से एक बार इंट्रो शूट कर लिया जाए। तो हमारे सर हैं ये, राकेश सर हैं, जो यहाँ पर गाइड करते हैं। तो आप बताइए आज क्या क्या चीज़ आप दिखाने वाले हैं? बराबर की गुफाएं, हाँ। जिसमें अशोक सम्राट की 4 गुफाएं हैं, जो यही रास्ता से हम लोग जाएंगे, जो नागार्जुन म्यूजियम के बगल से रास्ता गए, जो गुफाएं के लिए गई हुई है, और इसमें हम लोग जाने वाले हैं। इसके बाद फिर वहाँ के बारे में बेसिक डिटेल जानेंगे, हाँ बिल्कुल बेसिक डिटेल जानेंगे और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। हालांकि आप आते हैं यहाँ पे तो डायरेक्टली आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनका मैं मोबाइल नंबर आपको सामने डिस्प्ले पे दिखा दूंगा, डायरेक्टली आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं कि ये कब फ्री है। चूँकि भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लोकल में आप ही यहाँ पे है ना जो गाइड करते हैं, तो किस डेट पे कहाँ पे क्या अपॉइंटमेंट है तो समझ पाना मुश्किल है। बाकी चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा था, अभी आप हमारे साथ बने रहेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अंदर, चलते हैं अंदर तक आपको दिखाते आगे का व्यू भाई। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलो अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। अभी हम लोग आ चुके हैं जो हमारा पहला गुफा होने वाला है, जिसमें अभी हम लोग अंदर चलेंगे और इस गुफा के बारे में काफ़ी डिटेलिंग में जानेंगे, काफ़ी अच्छे से जानेंगे।
और बताइए यहाँ से हम लोग। हाँ देखिए, ये गुफा जो है एक्चुअल क्या है, ये मैनमेड रॉकेट कैब हो गया ये। हाँ। जो मानव द्वारा निर्मित की हुई है। देखिए स्क्रिप्ट है, ये 5 लाइन है। मैं एक बार आपको नज़दीक से दिखाता हूँ ये चीज़ें। हाँ बताइए ना। अब देखिए ये 5 लाइन हो गया, ये आपका गुहा स्क्रिप्ट कहते हैं, गुफा को गुहा स्क्रिप्ट कहते हैं। एक्चुअल प्राकृतिक पद है ये गुहा। और इसमें जो 5 लाइनें लिखी गई है, जो अशोक सरन ने जो रीजनल ईयर में दान में दिए हैं, ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक मतलब एक रॉक को काट कर बनाया हुआ, एक पत्थर को काट के बनाया गया ये गुफा है। और इसे बनाकर उन्होंने आजीवक को दान में दिए है। तो देखिए हम पढ़ के बताते हैं, उसके बाद ट्रांसलेट कर देते हैं। हाँ। तो इसमें जो लिखी हुई है, लेजिना पिए दसीना इकनवी। देखिए लेजिना का मतलब था राजा। अच्छा। पिया दसीना सम्राट अशोक को बोलते थे। इकनवी मैंने 19वीं वर्ष 8 का मैंसन है। इकनवी सातुवा सत्येना जलूठा गमीठा तब यम खूबा सुपियक्षा दिन्ना अजब काही। तो ये भाषा में ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, हम बोल रहे थे। हाँ। और आपका स्क्रिप्ट जो हो गया, जो लिखी हुई है। हाँ। वो आपका प्राकृत है, सॉरी स्क्रिप्ट आपका सोकन ब्राह्मी लैंग्वेज प्राकृत। इसका हिंदी होता है कि राजा अशोक सम्राट के शासनकाल के 19वीं वर्षगांठ में वर्ष का उपलक्ष्य में सुपियक्षा नाम की गुफा आजीवक को दान मिल जाती है। आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट हो गया 245 BC। इसका बिहाइंड जाएंगे तो दुनिया का पहला जो है 1252 BC। अब देखिए क्या है, इसका अंदर जाएंगे हम तो मौर्यन पॉलिश है, अशोका टाइम पॉलिश है, और स्मूथ रहेगा, ग्लेजी रहेगा, लुक लाइक द ग्लासेस। और इसके बाद हम अंदर थोड़ा सा इको होता है, इसलिए हम बाहर में हम लोग बात कर ले रहे हैं। मैं आपको अंदर में वो चीज़ें दिखाऊंगा। अंदर चलते हैं और उसके बाद हम इसे फिर चर्चा करते हैं। तो आइए, तो अब देखेंगे ये मौर्यन पॉलिश है, अशोका टाइम पॉलिश, छूकर देखेंगे तो स्मूथ रहेगा, ग्लेजी रहेगा पूरा, ज़्यादा लुक लाइक द ग्लासेस। अच्छा, इसमें हमारी प्रतिबिंब भी दिखेगी। बिल्कुल, तो आप इसका प्रतिबिंब जो देखना है तो आपको इधर से आइए। और वहीं पर रहेंगे हमारा जो फ्लैश है। हाँ जी बिल्कुल, अभी सामने में दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे सर, जो अभी लाइट में गया है तो ऐसा फील हो रहा है जैसे सर इधर है और इधर उनका प्रतिबिंब है। हालांकि वॉइस यहाँ पे ज़्यादा गूंज रही है, जिसके कारण मैं सारी डिटेल आपको बाहर चल के बताऊँगा। और ये कुछ ऐसा व्यू है ना। अब ये देखिए क्या है, अब देखिए क्या है, सब बनावट के बारे में बताते हैं आपको। हाँ, ये लाइन देख लीजिए, 6 फीट 3 इंच का है ये। अच्छा, ये जो आपको लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बॉर्डर है, 6 फीट 3 इंच का है। और सारे के सारे स्मूथ रहेगा, मौर्यन पॉलिश है, अशोका टाइम पॉलिश है। और यहाँ से देखिए ये आर्क शेप में जाता है, देखिए आर्क शेप में जाता है। हाँ। और ये वेरिएशन चबूतरा का प्लेटफॉर्म है, जिसमें आजीवक लोग बैठा करते थे। अब बहुत लोग बैठते हैं, ये 7.5 फीट का इसका लंबाई है, 3 फीट इसका चौड़ाई है, 1.5 फीट इसका हाइट है। अच्छा, हाइट की बात किया जाए तो 1.5 फीट है, चौड़ाई 3 फीट ना। हाँ। और लंबाई 7.5 फीट है, ये वाली लंबाई आप देख सकते हो 7.5 फीट। अब देखिए इसमें बेस्ट कम्युनिकेशन किया जाता है आजीवन, अब बहुत लोग करते हैं। हाँ, तो आजीवन कब तक रहे हैं, बहुत कब तक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो ये इतनी लंबाई आपका देख रहे हैं 33 फीट 3 इंच है, ये टोटल यहाँ से अगर हम यहाँ तक की बात करते हैं तो 33 फीट 3 इंच। इसकी चौड़ाई 16 फीट क्या है, कितना 16 फीट 6 इंच यहाँ चौड़ाई जो है सो। इसके पीछे भी कोई तथ्य होगा। हाँ, अब 16 फीट की चौड़ाई की बात कर रहे हैं। हाँ, तो साइंटिफिक जो है 16 फीट का होता है, तो 16 फीट में ही इको होता है, 16 फीट से कम रहेगा तो इको होना बंद हो जाएगा। अच्छा, हो गया ही। हाँ, तो फिर हाई टेक्नोलॉजी का सॉकेट है, कुछ गुफा में 20 फीट है, ये हम दिखाएंगे, इसका लंबाई और चला जाएगा लंबा। यानी कि वैसे रूम जहाँ पे इको होना चाहिए उसका मिनिमम चौड़ाई जो है 16 फीट होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, तब इको होगा। इसका हाइट 9 फीट है, ये
इसका हाइट है क्योंकि ये यहाँ तक आ जाता है। और ये भी हमें लगता है पत्थर तो एक ही है, इसके बीच में ये निशान किया गया है जिससे पता चले कि ये 6 फीट 3 इंच तक है। ये एक्चुअली बॉर्डर नहीं है, हमने साफ कहा ये मोनोलिथिक है यानी सिंगल रॉक, आप इसे बॉर्डर फसल कह सकते हैं जी। ऐसे ये मेडिटेशन के लिए, फसल के मेडिटेशन के लिए, रहने के लिए नहीं। वृख ही तो है, देखिए ये मौर्यन वृख है। ये आइए गुफा हो गया दुनिया का पहला मॉडर्न वृक्ष 252 BC 12th ओरिजिनल। आइए दिखाते हैं अशोक जो लिखा है, ये स्क्रिप्ट है आपका। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं। हाँ। एक एक वर्ड को पढ़ देते हैं। देखिए ये ला है, ये ब्राह्मी में अशोकन ब्राह्मी में ये ल होता है, ये मात्रा आकर हो गया तो ला हो गया, ये ज है, ये हर्षी कर तो जी हो गया, ये न है और मात्रा यहाँ से यहाँ चला गया, मने भी आकर है तो ले जीना, ले जीना का मतलब राजा या किंग। ये है प हर्षी कर पी हो गया, यह है द है स है हर्षी का सी हो गया ना, ले जीना पी ए दसीना, यह अशोक सोनट का मेंशन हो गया यहाँ पर। ये डूबा है यानी कि 12 वर्ष में डूबा, दसना भी नासी सितम यम खूबा निगरोधा दिन्ना अजीब का ही, ये लिखी हुई है। निगरोधा जो है सुसिम का बेटा था, पहला क्वेश्चन सुसिम के, इसलिए गुफा दुनिया का पहला जो गुफा बनाया ये तो अजीबक के ना ये, लेकिन नाम जो रखा उन्होंने तो निगरोधा का ही नाम रखा, एक बहुत मॉन्क का नाम है, लेकिन कुछ नाम जो है आर्कियोलॉजिस्ट लोग चेंज कर दिए इनको और इनको कर दिए है सुदामा। अच्छा ये सुदामा से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, अभी अभी जो मतलब अभी जो लोग आते हैं वो इस गुफा को सुदामा के नाम से बिल्कुल सुदामा के नाम से जानते हैं कि सुदामा है। और इसके अंदर जाएंगे तो एक चैम्बर मिलेगा, हर डिज़ाइन मेडिटेशन चैम्बर, जो चीफ होते थे उनका अंदर जाके सिंगल पर्सन बैठकर मेडिटेशन कर, और बाकी मिनी मिनी मॉन्क जो होते थे अच्छा इधर बैठा कर बाहर भी बैठते थे वो गुफा, और बहुत अच्छी इको होगा और एयर कंडीशनर है, ये सबसे बड़ी चीज़ भाई, एयर गर्मियों के मौसम में ठंडी और ठंडी के मौसम में गर्मी यहाँ पे लगता है। और जानते हैं यहाँ पर सर्वप्रथम आने वाले जो कौन है विजिटर, सर्वप्रथम फ्रांसिस बुकानन, वो सबसे पहले यहाँ पे आए। फ्रांसिस बुकानन आए थे 1811 में, ऐसे तो और लोग आए, किसी को लिखा नहीं है तो जिनका लिखा कलम बंद जो वर्णन किया गया है वो हमें जानकारी होती है। फ्रांसिस बुकानन 1811 में आए और 1935 के गया गजेटियर में मेंशन है इसके बारे में। उन्होंने जब यहाँ आया था तो बेले के रास्ता से हाथियों द्वारा आए थे वो। जब इन्होंने एक सप्ताह का कैंपिंग किए तो देखें कि यहाँ पर पीली मिट्टी, इसका गुफा में पीली की मिट्टी और पानी से भरा हुआ था। उनको एक सप्ताह पर कैंपिंग करा के सारे के सारे साफ करवाए और साफ कराने के बाद तबीयत खराब हो गया तो लौट गए, लौट गए उनकी घड़ी बंद हो गई थी, दिशा निर्देश और टाइमिंग की घड़ी होता था ना। हाँ। तो बंद हो गया था, जो अभी नेविगेशन बोलते हैं लोग कि उसमें नेविगेशन लगा हुआ होता है, अक्सर ऐसा घड़ी आता है जिसपे आपको ये समझ में आती रहेगा कि नॉर्थ किधर है ईस्ट किधर है आपको पता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, टाइमिंग सब खत्म हो गया था। हाँ। तो हम लोग चलते हैं अंदर में और देखते हैं क्या है ये दुनिया का पहला मानव। अब देखेंगे ये हर डिजाइन है, ये हर डिजाइन मेडिटेशन चैम्बर। सामने जो एक दिख रहा होगा आपको ज़्यादातर रूम टाइप से है, जो उनका पर्सनल चैम्बर हो गया, जो मुख्य होते थे वो उसी में बैठ के अपना मेडिटेशन करते थे। हाँ, नीचे बैठ कर इसमें बैठते थे। अब देखिए खास करके जो इको होता है, अब सुन रहे हैं हमें। हाँ देखिए हम थोड़ा सा आपके यहाँ पर रोकेंगे और हम अंदर चैम्बर में जाएंगे, आप अपना जो है माइक को ऑन रखेंगे। ऑन रखेंगे हाँ जी। और देखेंगे जो इको होता है उसमें कैसे होता था बिना कोई सिस्टम से इको, तो थोड़ा सा हम चैंटिंग करते हैं आप देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 मिनट
और अभी हम लोग वेल्डन करने वाले हैं आज का जो तीसरा गुफा है ना। बिल्कुल बताइए इसके बारे में बताइएगा। देखिए ये गुफा है जिसका गेट कार्विंग बहुत फेमस है आपका, बहुत हाँ। ज़्यादा फेमस हो गया, वर्ल्ड फेमस गेट कार्विंग, एक्चुअली वुडन डिज़ाइन गेट कार्विंग। ये लकड़ियों का डिज़ाइन है, ये जो पत्थरों पर नक्काशी की गई है ये, और ये दुनिया का पहला जो है गेट कार्विंग है, ये 3rd century BC, एक्चुअल 241 BC का है ये। और ये देखेंगे इसमें क्या है ये। हाँ अब इसमें देखेंगे जो बनाई गई है, जो बुद्धिज्म के प्रतीक है ये, बीच में देख रहे हैं स्तूप है, एलिफेंट है, और लास्ट में क्रोकोडाइल है। हाँ ये लास्ट में दोनों साइड दिखा दूँ आपको, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो लास्ट वाला है इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में क्रोकोडाइल बनाया हुआ है। हाँ लास्ट में। हाँ तो देखेंगे क्या है कि अब जो स्तूप है ये बुद्ध का महापरिनिर्वाण का एक सिंबल जाता है। महापरिनिर्वाण जो अशोक समाज बना रहे थे स्तूपा जा जाकर, उसी का ये सिंबल हो गया। और उनकी माँ महामाया, मैंने बुद्ध की माँ महामाया जो ड्रीम लेके थे फर्स्ट टाइम, तो रावत हाथियों का, तो हाथियों का जन्म एवं मृत्यु का है ये। अच्छा तो ये, और लास्ट में जो है बुद्धिज्म एक समान में आता है। तो बुद्धिज्म बहुत बड़ा ये जो है आपका एक रहा है, ये सिंबल रहा है जो लकड़ियों का डिज़ाइन का है, जो पत्थरों में निकासी गई है। ऊपर में देख रहे हैं आपका एक जो है गुंबद पे ऊपर, हाँ सबसे ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि उस समय तो टेंपल होता ही नहीं था ना 3rd century BC में। घंबा बना तो गुप्ता पीरियड नेपाल पीरियड, एक्चुअल क्या है उसमें जो बॉन वगैरह जो रखाता था, अस्थियाँ वगैरह जो है उसका है ये। तो बहुत बड़ी ये गेट कार्विंग है ये, जो वर्ल्ड फेमस है ये, और NCERT के बुक में इसको डाला गया है आपका। और इसमें देखेंगे आप खास करके ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट देख रहे हैं, ये मौखरी स्क्रिप्ट है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मौखरी स्क्रिप्ट 7th century AD अनंत बर्मन। जिस समय अशोक सम्राट उसको बनवा रहे थे उस समय देखिए ये क्रैक हो गया, सीमेंट का ना पानी, हाँ यही रीजन है जब क्रैक कर गया है तो अशोक सम्राट काम बनाना, इसको काम कराना छोड़ दिया कि नहीं तो क्रैक हो गया। हाँ कोई मतलब जो मेन पर्पस होता है वो पूरा होगा नहीं, ठीक है। जब क्रैक हो गया तो क्रैक होने के कारण उन्होंने छोड़ दी थी चीजें, जो कि हैमर एंड चीजें से वर्क किया है, छेनी हथौड़ियों से, तो छेनी हथौड़ियों काम किया, उसका चीजल कट मार्ट से चीजल बहुत लाइनिंग। अब देख रहे हैं कि उस समय कोई मशीन नहीं थी ना कोई ड्रिल मशीन था, इसलिए चीजों से इसको काट के बनाया गया है। आप बॉर्डर तो देख ही रहे हैं, ये पॉलिश भी डाली नारियल पॉलिश, जब ज़्यादा अंदर पानी आना शुरू हो गया तो उन्होंने ड्रेन बनवाई, ये ड्रेन है जिसे आज का डेट में कहते हैं मौसम का ड्रेन। देखिए जब बारिश ज़्यादा दुरुस्त हो जाएगी तो पानी गिरना शुरू हो जाएगा, इधर से निकलेगा, इधर से कुछ इधर से निकल के जमा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा कि बाहर निकल आ जाता है, बीच में जमा हो जाता है। और ये सेम आर्किटेक्ट जिस गुफा जो अभी हम लोग पीछे देखें, सुदामा, हाँ सुदामा गुफा जिसको निग्रोधा कहा जाता है, और ये गुफा लोमस ऋषि सेम आर्किटेक्ट। चलिए इसका अंदर चलते हैं कैसे काट के बनाया जाता है। देखिए आपको इसका कहना है कि छेनी द्वारा इसे काटा जाता था, देख रहे हैं, हाँ उसके बाद इसको छोड़ देते थे, फिर नीचे से काटा जाता था, फिर हम्मर मारते थे और टूट के गिर जाता था। ये काटने का पूरा तरीका देख लीजिए आप, देख रहे हैं चीजें कट मार, देखिए फिर जा रही है, काटते काटते छोटा होता था नहीं, हाँ उसके बाद पूरा प्लेन होता गया, देखिए ना पूरा हो गया। इसे काटने के बाद फिर जो होता था ना, इधर से काटते थे ऐसे, देख रहे हैं इसको पूरा दिखाते हैं कैसे होता है, लाइनिंग पूरा था ना काटा हुआ, ये तो कभी
जकड़ा गया है। हाँ। तो काटने के बाद इसे लंबा लंबा ही काटते थे, उसके बाद इधर से काटा जाता था। उसका छेद तक कैसे है, वेरी हार्ड वर्क है, निकाल निकाल के वेरी हार्ड वर्क। उसके बाद पत्थरों से रगड़ते थे, ये पॉलिश नहीं है। अच्छा, इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा वो पता चलेगा कि काटा हुआ है इस टाइप से करके। हाँ, तो ये रफ सोड़ा है, असमूथ नहीं जाएगा। ये काटते हुए वेरी हार्ड वर्क का सोड़ा था, इसलिए बहुत ही लोग बोलते हैं कि बहुत दिमाग वाला था वो। हाँ। बहुत होके खेलना है। तो ये है आपका लोगों से सीखे, संभल के चलना है। एडवेंचर भी रहेगा। आइए ये रास्ता देख लीजिए, अशोक का बनाया हुआ ये पहले का रास्ता बना हुआ है और ये पूरा है। और यहाँ पे जो भी चट्टान है भाई, उसमें काट के बनाया गया है, जिसपे आप पैर रख के चल सकते हो। मानो ऐसा फील होता है, वो छोटा छोटा सीढ़ी बनाया हुआ है जिसपे आप चढ़ने या उतरने से पैर को टिका के आराम से आप चढ़ सकते हैं। और स्लिप तो काफी ज्यादा है यहाँ पे। ये तो हमें लगता है अशोक का रास्ता शुरू होता है। और ये अभी हम लोग पहुंच गए चौथी गुफा। अशोक का जो चौथी गुफा है, ये लास्ट है आपका। जो इस पहाड़ का कुछ और ही नाम रखे हैं उन्होंने, इसे बराबर गुफाएं के नाम से जाना जाता है। ये सारे चार ही गुफाएं। हाँ। तो ये स्क्रिप्ट है आपका यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है ये बता सकते हैं? देखिए जो लिखी हुई है ये। हाँ। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो लिखी हुई है, देखिए सेम वही वर्ड है, लजीना देख लीजिए यहाँ पर। अच्छा, ये जो पिछले दो गेट पे हम लोग वहां पढ़ चुके हैं वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। थोड़ा सा अंतर हो जाएगा ना। हाँ। तो लजीना पियदसिना ये भी है, यहाँ तक यहाँ से पिया दसीना, ये भी लेफ्ट से राइट पढ़ा जाता है। हाँ। ये भी 12वें वर्षगांठ में है, 12th रीजनल ईयर में। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है ये देखिए, ड स वे से ते सी ते ना इया कु त फ ल तिक है, देखिए कुलफतिक प व ते सी, यानी कि कुलफतिक का मतलब होता है यहाँ तक जंगलों से घिरा हुआ, प व ते सी यानी पर्वत, जंगलों से घिरा हुआ पर्वत, दिन्ना अजीब काही मैंने जंगलों से घिरा, राजा अशोक सम्राट के शासन काल के भी 12वें वर्षगांठ में जंगलों से घिरा हुआ यह पर्वत आजीवक को दान दी जाती है, दिया जाता है। तो ये भी आर्कोलॉजिकल ट्रेंड फील्ड। देखिए आजीवक संप्रदाय के क्या होता है हम बताते हैं, यहाँ से देख लीजिए उसको बताते हैं क्या आजीवक जो डिस्ट्रॉय किया है, क्यों किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए ये जो किया हुआ है सो। ये भी हुई, बाकी हम लोग चलते हैं आगे की ओर।